राम राम जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आपका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। तो आज संडे है, आज सुबह सुबह उठ के मैं नहा भी ली हूँ और अब मैं आपको अपने घर वालों से मिलवाती हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 10 और ये है मेरी बहन कीर्ति। क्या कर रही हैं आप? मैं सैंडविच बना रही हूँ, सिर्फ अपने और मम्मी के लिए। हर्ष को खाने नहीं है, मैं नहीं दूंगी। मैं क्लियर हूँ, मैं तो इतना ही हूँ कि मैं अपनी बहन के लिए मैं नहीं दूंगी। अब की बार देख लिया गाइस ना, आज मैं दिखाऊंगा गाइस। यू भी कम ना बहुत बता रहा है, समो तो ये लड़े मैं नहीं दूंगी। भाई लड़ाई कहां नहीं होती, लड़ाई अपनी जगह मैं बना दूंगी। देगी सैंडविच देगी या नहीं दूंगी, यूं ही बर्बाद पड़ती जहां पर। अब तुम ना मैं सुनो और सब छोड़ो, मैं ना खाऊंगी तुम तक खप जाएगा। मम्मी खा लेंगी खा लेंगी, चल देख जाएगी वीडियो बना लूंगी देख कैसे खा लेंगी। ठीक है, तो अब मैं मिलवाती हूँ अपने भाई से। राम राम जी। मुझे पता नहीं किसकी नजर लग गई। ठीक नहीं हो अभी आप? नहीं, उसको मेरा फोन आ रहा है। कोई फोन वो नहीं आ रहा, शो ऑफ शो ऑफ शो ऑफ कर रहा है, शो ऑफ। हाँ, और मम्मी क्या बना रही हो? क्या, एक सेकंड मैं बैक कैमरा कर। हाँ, ये मम्मी क्या बना रही हो तुम? हर्ष के लिए काढ़ा। काढ़ा इस क्या काढ़ा है, क्या होता है इससे? बुखार में आराम दे। किस चीज का काढ़ा है बताओ गाइस को, उनको भी मदद मिल जाएगी थोड़ी। सब बताओ, नीम गिलो पपीता पत्ता। अच्छा, उनको बॉईल करके उसका पानी। हाँ, क्या कह रही थी तो? अगर तुम्हें सैंडविच खाएंगे और स्वीट कॉर्न लेकर, स्वीट कॉर्न ले और सैंडविच खा ले। ठीक है, लपेट के मम्मी तो उरे उरे उरे, क्या हुआ? इतना बुरा स्वाद है आपको काढ़े का? कोई बात नहीं, तेरी तबीयत ऊपर तक की शक्ल ला रहा है। हंसने की बात ना, एक शक्ल दिखा तू। एक मम्मी देखी कैमरा, एक शक्ल दिखाओ। अरे पागल है क्या? गाइस, अगर तुमने की शक्ल पास तो देख ली ना, अगर तुमने की शक्ल पास से देख ली ना, तुम भी उल्टी करने लग जाओगे। इतना कौन है लाली? कुछ है ना पर तो स्वाद को और कुछ गुड़ चॉकलेट महंगी। ये यहाँ बनते हुए सैंडविच जो कि मुझे नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने कही थी स्वीट कॉर्न ले और बना दूंगी तेरे लिए, ये नहीं लाई। कह रही मेरे बस की नहीं है। क्लियर है श्री एल भाई? मैं तो भाई मेरे तो जैसा है सो है। चल चल, हाँ ठीक है, खा लिए ना? नहीं खा लो तुम, कोई नहीं, खा लो खा लो खा लो खा लो। अरे नहीं खा लो खा लो खा लो खा लो। गाइस ये देखो क्या हो गया, और मत दे मुझे, और मत दे। अब भी खाने में लग रही हूँ ना, पता मम्मी गई है उठ के यार। पर मेरे हाथ वगैरह खराब हो रहे हैं, हाथ वगैरह खराब हो रहे हैं। अरे मैया, सारा की सारा दूध फैला दिया, इतना बड़ा गिलास तुम। मैं आ तो देख ना, उठ खड़ी हो धरा पर, उड़े गद्दा ले दे, गद्दा भर गो सारा दूध एकदम ना। हां तुमने प्लेट में गिरा दो, दिख रहा तुम गिरा था। तो गाइज़ ये मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, कहीं से आ रही हूँ, मैं स्कूल से आ रही हूँ अपनी स्कूटी लेके। स्कूटी मेरी स्कूल में ही रह गई थी फ्राइडे को। ये पूरी कहानी अब सुनिए। बड़ी मुश्किल से एक घंटे में तो वो और हुई थी, पुलिस वाले ने और रोक लिया। मैंने पुलिस वाले से कहती भाई स्कूटी एक बार बंद होगी तो फिर ऑन ना होएगी, तो स्कूटी पुलिस वाले ने तो स्कूटी चलवा के लाई हूँ। अब घर आके हर्ष ने बताया, फिर गई है वाले ने और फिर पुलिस ने रोक ली। पुलिस ने रोक ली, पुलिस कह रही हेलमेट कैबिन के डिग्गी में रखो। मैंने अंकल अगर स्कूटी रुक गई तो फिर तुम्हें स्टार्ट करनी पड़ेगी। फिर पुलिस वाले ने मुझे स्कूटी स्टार्ट करके दी। तो गाइज यहाँ मेरा हुआ मैगी खाने का मन, तो ये मैं मैगी बॉईल कर रही हूँ। सिंपल मैं पानी में बॉईल करती हूँ और इसमें मैं मैगी मसाला डालूंगी जो ये मैगी के पैकेट के अंदर ही आता है, और इसके बाद मैं थोड़ा सा मैगी मसाला भी डालूंगी एक पैकेट।
और ये यहाँ मेरी मैगी बन के हो चुकी है तैयार, और ये मैंने थोड़ी सी ज्यादा बना ली है। ये मैंने मैगी बनाई है, मेरे से थोड़ी सी फालतू बन गई है। तुम तीनों में से कौन खाएगा? हर्ष तू खाएगा? ओके ये ले। तुझसे पूछ कौन रहा है, तूने मुझे सुबह वो दिए थे और ये अपनी वैक्सिंग करते हुए इसने सुबह सुबह मुझे सैंडविच नहीं दिए मम्मी प्रेस करते हुए। तो मैगी खाने के बाद मेरा मन हुआ कुछ मीठा खाने का, तो ये कल की खीर बची हुई थी वो खा रही हूँ, कल बनाई थी मम्मी ने, अब ये बाहर बैठ के आराम से खीर खाने वाली हूँ मैं। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 6:30 अराउंड बज रहे होंगे, और यहाँ मैं अपनी स्कूटी साफ करते हुए, क्योंकि मैंने कीर्ति को चैलेंज किया था कि उसकी स्कूटी बहुत गंदी रहती है, तो मैं उसको ये दिखाना चाहती हूँ कि स्कूटी रखते कैसे भाई। और गप्पे की पार्टी करते हुए और मैं अपनी स्कूटी धो के आई हूँ, मेरी चाबी भी गीली हो गई। तू भी अपनी छठे चौमासे कभी स्कूटी पे धो लेकर खाएंगे खाएंगे। अरे यहाँ गोलगप्पे आज तो तगड़ी वाली चीट हो गया भाई। तो गाइज मैं यहाँ अपना कुछ स्कूल का काम करते हुए, और इसी के साथ एक मिनट, डिनर में मम्मी ने क्या बनाया है? घी दाल की सब्जी बनाई है, वो खा के हमारा गुड नाइट हो जाएगा और मैं जल्दी सोऊंगी आज, तो इस वजह से मैं ब्लॉग का एंड अभी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह मुझे 5 बजे उठना है। देखती हूँ सुबह ब्लॉग बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी, अगर बनाऊंगी तो आ जाएगा और आपको पता ही नहीं चल जाएगा। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड मैं यही कर रही हूँ। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एंड नेवर फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।